जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आशीष आई टी आई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है कि जानेंगे सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद जो है कि क्या करें कि जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। देखिए, 100 में से जो है कि 70% जो है कि बच्चे नहीं जानते हैं कि जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद जो है कि क्या करें। पर इस वीडियो में जो है कि हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि आप जो है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद जो है कि क्या करें कि आपका जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए आईटीआई संबंधी कोई भी जानकारी पाने के लिए। जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है, हमारे चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेंडर, फैशन डिजाइनर, ड्रेस मेकिंग, कोपा, सारे ट्रेडों का जो है आईटीआई एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो है कि 22 अक्टूबर ने जो है कि आखिरी डेट था सेकेंड मेरिट वालों का एडमिशन कराने का, ठीक। और बच्चों, आज जो है कि 23 अक्टूबर, यानी 23 अक्टूबर के दिन जो है कि हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आज से जो है कि 2 से 3 दिन के बाद जो है कि आपका scbt.gov.in के वेबसाइट पे जो है कि एक लिंक एक्टिवेट होगा। देखिए, आप लोग जो है कि एकदम ध्यान से सुनिएगा, scbt.gov.in के जो है कि वेबसाइट पे जो है कि एक लिंक एक्टिवेट होगा और उस लिंक के माध्यम से जो है कि आप अपने फार्म में जो है कि संशोधन कर सकते हैं। अगर आपका फार्म में कोई भी मिस्टेक हो गया है तो आप जो है कि वहाँ से सही कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है कि कमेंट करके कह रहे थे कि सर, हमारा जो है कि फार्म में जो है कि डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, हमारा पिताजी का नाम गलत हो गया है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो कह रहे थे कि सर, हमारा हाई स्कूल में नंबर इतना है और फार्म में जो है कि गलत पड़ गया है, बेसी पड़ गया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो है कि फार्म में सर, हमारा जो है कि नंबर कम पड़ गया है, मेरा हाई स्कूल में इतना है। तो उन सभी बच्चों से कहना है कि आपका जो है कि सारा जो है कि आपका जो है कि मिस्टेक जो हुआ होगा फार्म में, सारा जो है कि आपका सही हो जाएगा। और एक बात और देखिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, देखिए उसमें जो है कि टेड जो है कि चेंज आप कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों का जो है कि फर्स्ट नंबर पे इलेक्ट्रीशियन होगा, कुछ का फिटर होगा, कुछ का जो है कि कोपा होगा। तो देखिए, जिनका कोपा होगा फर्स्ट पे, या किसी का इलेक्ट्रीशियन, किसी का फिटर, या कुछ भी होगा, तो उन सभी बच्चों से यही कहना है कि देखिए, आज से जो है कि 2 से 3 दिन के अंदर में जो है कि जितने कॉलेज हैं यूपी में, उन सभी कॉलेज पे जो है कि मालूम चल जाएगा कि कितना सीट खाली है। यानी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो एडमिशन हुआ है, कितनों बच्चों का जो है कि एडमिशन हुआ है और कितना सीट खाली है, और कौन से टेड में जो है कि कितना सीट है। तो देखिए, जिसमें जिस टेड में जो है कि आपका ज़्यादा सीट रहेगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जिस टेग में जो है कि आपका ज़्यादा सीट रहेगा, उसी टेग का जो है कि आपका पहला नंबर डालेंगे आप। देखिए, जिस टेग में जो है कि आपका ज़्यादा सीट रहेगा, उसी को जो है कि आप चुनेंगे पहले नंबर पे, और जिसमें दूसरे नंबर पे रहेगा, जिसमें कम सीट रहेगी उससे, उसको दूसरे पे करिएगा, उससे कम है तो उसको तीसरे पे करिएगा, ठीक। जैसे हमारे कहने का यही मतलब है कि जिसमें जो है कि मान लीजिए पहले नंबर पर जो है कि इलेक्ट्रीशियन में सीट बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रीशियन को जो है कि पहले नंबर पे चुनिएगा, और फिटर में जो है कि कम सीट है तो उसको जो है कि दूसरे नंबर पे चुनिएगा, और उससे भी किसी टेग में कम है तो उसको तीसरे नंबर पे चुनिएगा। मतलब कहने का यही मतलब है, जिसमें जो है कि आपका जो है कि जिस टेग में जो है कि ज़्यादा सीट रहेगा, उसको जो है कि आप पहले नंबर पर चुनेंगे, और जिस टेग में जो है कि कम सीट रहेगा, उसको जो है कि आप दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे चुनेंगे, ठीक। अगर जो आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है कि तीसरे मेरिट लिस्ट में जो है कि आपका नाम आ जाएगा, तीसरे राउंड में जो है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, 2 से 3 दिन के बाद में जो है कि एक वीडियो और लेके आएंगे, और उस वीडियो में जो है कि हम बताएंगे कि कौन से कॉलेज में जो है कि कितना सीट खाली है और कौन से टेड में जो है कि कितना सीट है। तो आप लोग जो है कि
धैर्य बनाए रखिए, आपका जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे जैसे मैं बताया हूँ तो आपका जो है कि थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि जब थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जो है कि आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।